कल जो क्वेश्चन हमने डिस्कस दिया था आपको करने के लिए, उसमें क्या था? लेक है, लेक से 60 मीटर अबव एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्लाउड का. यहाँ क्लाउड है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. कितना बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन? 30. ठीक है, अब इसी पॉइंट से इस क्लाउड की लेक में जो रिफ्लेक्शन बन रही है ना, उसका डिप्रेशन का जो एंगल है वो कितना दे रखा है? 60. ठीक है, वैसे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उससे हम ऑल्टरनेट एंगल लेके यहाँ पे बाहर ऑल्टरनेट एंगल से यहाँ नीचे ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं है. यहाँ इस क्वेश्चन में आप डिप्रेशन पे जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंसीडर करोगे. अब देखो ये 60 है तो ये भी 60 है, और ये जो है आप इसको एच सपोज कर लो. अब यहाँ लेक का ये जो लेवल है, ये ग्राउंड लेवल जो है, यहाँ से ऊपर क्लाउड की हाइट कितनी हो गई? एच प्लस 60. अब इसकी पानी में भी इतनी ही रिफ्लेक्शन बनेगी, तो ये आपके पास आ जाएगा एच प्लस 60. तो इस ट्रायंगल में जब आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे तो आप लोगे टेन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स. ठीक है, एक तो यहां से आ जाएगा टेन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स. ठीक है, अच्छा एक और बात देखो. अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ये नीचे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर यहाँ से वैल्यू निकाल लेना, क्या आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू h रूट थ्री आ जाएगा. ठीक है, इसे छोड़ दो यहीं पे, ये आपके पास बेस आ गया ट्रायंगल का. अब नीचे वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लो, इसमें आएगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या आएगा? पूरा h प्लस 60 प्लस 60, तो h प्लस 120 हो गया अपॉन बेस. बेस की जगह x आएगा, एक्स की वैल्यू ये, तो सॉल्व कर लेना, यहाँ से एच आ जाएगा. जो एच आएगा उसको आप यहाँ यूज कर लेना. आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ क्लाउड क्या है, तो क्लाउड की हाइट आएगी एच प्लस 60. ये है ना, ग्राउंड लेवल से हाइट ऑफ क्लाउड जो है एच प्लस 60 है. जो एच आएगा ना वो 60 आएगा, तो क्लाउड की जो हाइट आ जाएगी 60 प्लस 60 120 आ जाएगी. ठीक है, मेन इसमें ये है कि रिफ्लेक्शन ये कैसे पता लगेगा, और ट्रायंगल जो है वो डिप्रेशन वाला लेना है, क्योंकि और एंगल ऑल्टरनेट आप नीचे नहीं ले सकते क्योंकि इस तरफ तो कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये है. इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. एक तो आपको वो प्रूफ वाले क्वेश्चन करवाने हैं. ठीक है, हाँ जी, 4 o'clock. 5-10 मिनट पहले ही सेंड कर दूंगी मैं आपको, उसका टाइम भी पहले ही होगा, क्योंकि अगर किसी की 4 o'clock ट्यूशन है तो आप 10 मिनट में अटेम्प्ट करके जा सकते हो. ठीक है, 3:45 का टाइम रख दूंगी मैं. ठीक है, चलो ठीक है, 3:30 रख देंगे. चुप कर जाओ, मैं भेज दूंगी अपने आप. लिखो क्वेश्चन. एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड is observed at an elevation of 60 degree. After 10 seconds, its elevation is observed to be 30 degree. क्या मतलब है इसका? 10 सेकेंड्स के बाद एलिवेशन चेंज हो गया, इसका मतलब कहाँ दूर गया है कि पास गया है? पॉइंट ऑफ एलिवेशन, जो पॉइंट है, हाँ जी, दूर गया है. एंगल छोटा कब होता है? जब हम दूर चले जाते हैं. जैसे मैं यहाँ पे हूँ, इस टाइम पे एंगल बड़ा बनेगा, जितनी मैं दूर जाती जाऊंगी एंगल छोटा होता जाएगा. तो इसका मतलब अगर एरोप्लेन पहले यहाँ पर था और इस पॉइंट से आप इसे देख रहे थे 60 डिग्री के एंगल से, 10 सेकेंड्स के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना? 30. ये मतलब है इसका. जितना एंगल छोटा होगा उतने दूर जाएंगे. अगर ये एंगल पास होता
तो मतलब हम इस तरफ मूव कर रहे होते। आपको याद है अभी हमने कल इसी तरह से एरोप्लेन का क्वेश्चन किया था 3000√3 वाला, उसमें एंगल चेंज हो रहा था, देखा था आपने, उसमें जो एंगल था वो, मैं बताती हूँ उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 था इसका, उसमें था एंगल ऑफ एलिवेशन जो था पहले 60 था, 10 सेकेंड्स के बाद वो एंगल 30 हो गया था, ठीक है। हाइट दे रखी थी 3000, तो उसमें भी उसमें जो एंगल था, जो पास था वो 60 था, जो दूर वाला एंगल था वो 30 था, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वे में है। अब आपके पास इसमें आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपने फाइंड करना है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर, सेम वे में करना है, बिल्कुल सेम वे में करो। टाइम 10 सेकेंड, पहले यहां था तो ये वाला बेस निकाल लो, अब एरोप्लेन की पोजीशन ये है तो ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल फाइंड कर लो। हाइट 1 किलोमीटर, किलोमीटर में ही रहने दो। और अगर आप उसे किलोमीटर को पहले चेंज कर लेते हो तो 1000 मीटर बन जाएगा, तो आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, उसको कन्वर्ट कर लेना सीधा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते ना तो आपकी यूनिट बन रही है किलोमीटर पर सेकंड। बात समझ आ रही है आपको? तो आप बेटर है हाइट को ले लो 1000 मीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो बाद में आप उसे लास्ट में 18/5 से करके किलोमीटर पर आवर बना लेना। हाइट 1000 मीटर हो गई, टाइम दे रखा है, पहले ट्रिग्नोमेट्री से ये डिस्टेंस फाइंड कर लो, ये डिस्टेंस फाइंड कर लो, इसमें से इस बेस को माइनस कर दो, ये आ जाएगा। लगाओ फॉर्मूला, लगाओ दोनों तरफ, आप इतनी जगह वेस्ट करते हो ना, आधा इधर इधर किया करो। ठीक है, ये सारी नोटबुक इतना भी नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। एक मिनट, सेवन रैशनलाइज करो, √3 की वैल्यू पुट करो। ऐसे नहीं दे रखा, 415.68 किलोमीटर पर आर, 415.68 किलोमीटर पर आर डिस्टेंस। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आ रहा है बेस, 10 60 वाले में से बेस कितना आ रहा है वहां से, 1000 ओवर। अच्छा, इसका आ रहा है 1000 ओवर √3 और बड़े वाले का ये डिस्टेंस, ठीक है। तो 1000√3 में से इसको माइनस कर देंगे, √3, ये 1000 कॉमन √3 -1/√3, एलसीएम लेके 3 -1/√3 आ गया, 2000/√3 आ गया, ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ गया, 10 सेकेंड्स का दे रखा है आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम 10 सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ रहा है, 200/√3 आ रहा है। हाँ, मीटर पर सेकंड में आ रहा है, 18/5 से कर लो, किलोमीटर पर आर बन जाएगा, बस ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपका करेगा वेरी, वो डिपेंड करता है आपने √3 क्या लिया है। 2 लिख के देखो साथ में, 1.732 लिख के देखो कितना आ रहा है, क्यों रहने दें, स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूरी निकाल के दोगे, स्पीड तो ऑब्वियसली आप पूरी निकाल के दोगे,
रूट में थोड़ी छोड़ोगे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे टाइम को आप यूनिट को स्टैंडर्ड में चेंज करते हो, लेके जाते हो ना आर्स वगैरह में, तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। पॉइंट 415.68 आ रहा है, पॉइंट गलत लगा रहे हो आप कहीं। क्या कह रहा है ये सहर्षा? मुझसे पूछो क्या प्रॉब्लम है, ऐसे नोटबुक से देखे क्या आना है आपको? ऐसे बुक्स बहुत सारी हैं आपके पास, घर पे भी कोई नहीं? फिर बुक सारी जगह साथ लेके जानी है। आपने दे दिए पेपर, पता नहीं क्या करना है आपने। ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ रही है 200/√3। जब आप इसको 18/5 से करोगे ना तो 720/√3 आ जाएगा, यही आ रहा है ना। रैशनलाइज कर लो और रूट थ्री की वैल्यू पुट कर दो 1.732, फिर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल 415.68 किलोमीटर पर आवर। डेसिमल कहाँ तक लिया है? 1.732 लिया है, 2 लो ना फिर आएगा। एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है वैल्यू पूरी, जब तक नहीं दे रखा तब तक 3 तक लेना, फिर आंसर ठीक आएगा। 2 तक लोगे तो टैली नहीं होगा। क्या हुआ? ये आपके पास आ रहा है 200/√3 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 18/5 के साथ, ये बन जाएगा किलोमीटर पर आर। इसको सॉल्व करके 720/√3 किलोमीटर पर आर आ गया, लेकिन स्पीड है तो आपको पूरा सॉल्व करना है। इसे रैशनलाइज कर दो, 720 × 1.732/3 इसकी कटिंग कर दो, मल्टीप्लाई करके 415.68 किलोमीटर पर आर है। हाँ कर दो वहीं पे कर दो, यहीं पे रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कटिंग हो जाएगी, 6 आ जाएगा ऊपर। यूनिट जो है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं भी कहा किलोमीटर पर आर में, आपने फिर भी करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जो है किलोमीटर पर आर है। ठीक है, अब सुनो इधर। अब हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें प्रूव वाले क्वेश्चन है, जैसे हमने कल किया था हाइट ऑफ द टॉवर रूट ए बी, याद है? वो तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन अब है डबल एंगल वाले क्वेश्चन जिसमें प्रूव करना है हाइट ऑफ द टॉवर, या जो जो अभी आपने जिस टाइप के क्वेश्चन किए हैं ना, उसमें नंबर्स नहीं दिए होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रही होंगी। ठीक है, मैं लिखवाती हूँ एक दो क्वेश्चन, एक करते हैं उसके बाद एक आप ट्राई करना। लिखो क्वेश्चन पहले। आज मैं आपको ये एक पेज की पूरी पिक सेंड करूंगी, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, आज आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, जो आप दूसरी बुक्स में देखोगे ना एग्जाम्पलर वगैरह में या ऑल इंडिया बोर्ड वगैरह में जो है वो क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लेना। अगर आप इसमें से यही क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो ना, तो समझ लेना आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप कर लोगे। तो ये आप खुद करना आज ये क्वेश्चन, मैं एक दो इसमें से करवा देती हूँ। लिखो, ए वर्टिकल टॉवर stands on a horizontal plane and is surmounted by flagstaff, is surmounted by flagstaff of height h. एक vertical tower है that is standing on a horizontal plane, उसके ऊपर एक flagstaff है इस तरह से, उसकी हाइट है h, इसकी हाइट नहीं गिवन, ठीक है, ये गिवन है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, ये जो पॉइंट है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेफ, क्या बोला मैंने, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेफ, ये जो फ्लैग स्टेफ है ना, इसके बॉटम का एंगल और इसके टॉप का जो एंगल है, ये आपको गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है?
एक है अल्फा एक है बीटा, मैंने पहले बॉटम बोला था, तो पहले बॉटम वाला एंगल बनेगा कितना, अल्फा, और टॉप का एंगल कितना बनेगा, बीटा। मेरा कहने का मतलब है जो जो चीज नंबर में गिवन होती थी, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप या एंगल, अब सब कुछ अल्फा बीटा जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनमें गिवन है। तो आपके जो आंसर आएंगे ना वो नंबर्स में नहीं आएगा, किसी टर्म्स में आएगा, जैसे टेन अल्फा साइन बीटा इस तरह का आंसर आएगा। लिखो, शो दैट द हाइट ऑफ द टॉवर इज एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये शो करना कि जो टॉवर है उसकी हाइट ये है, टॉवर की हाइट को आप कैपिटल एच ले लो, आपने शो करना है कि ये कैपिटल एच की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, बस आपने एक ही चीज का ध्यान रखना है, पहले आप छोटे वाला ट्रायंगल लोगे, फिर आप बड़ा ट्रायंगल लोगे, फिर जिस तरह का आपको आंसर चाहिए, आपको कैपिटल एच की वैल्यू चाहिए, आप वो कैपिटल एच को अलग करोगे, बाकी सब चीजों को सेपरेट करोगे। एक चीज की वैल्यू दूसरे ट्रायंगल में पुट करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे। आप देखो यहाँ पे पहले हम छोटे वाला ट्रायंगल ले रहे हैं जिसका नेम है एबीसी। एबीसी में क्या आ जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स आ जाएगा, हमने स्मॉल वाला ट्रायंगल कंसीडर किया है एबीसी जिसमें से टेन अल्फा आ गया एच अपॉन एक्स। ठीक है, इसको यही छोड़ देते हैं, जिसकी जरूरत होगी उसको सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब आप ट्रायंगल लोगे बीसीडी, उसमें आप लोगे टेन बीटा इज इक्वल टू टोटल हाइट क्या आ जाएगी है एच प्लस कैपिटल एच अपॉन एक्स। अब देखो जरा, अब पता कैसे पता चलता है कि आपको करना क्या है, आपको आंसर में स्मॉल एच चाहिए, कैपिटल एच भी चाहिए, टैन अल्फा भी चाहिए, टैन बीटा भी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसका मतलब एक्स को रिमूव करना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक जगह से एक्स की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट करना है। क्लियर, ये आंसर दिया हुआ है, इसमें इजी होता है ये क्वेश्चन, आप पहली बार कर रहे हो इसलिए आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, पर ये सबसे इजी है क्योंकि आंसर गिवन है और कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। अब आपने आंसर देख लिया, आपको ये शो करना है आपको एक्स नहीं चाहिए, यहाँ से एक्स निकालो, यहाँ पर करो, बस कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई डिवाइड नहीं करना, कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा कैपिटल एच अपॉन, इसमें पुट कर देते हैं। अब पुट करने से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा एक्स टेन बीटा इक्वल टू एच प्लस कैपिटल एच। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई एक्स टेन अल्फा, ऊपर लिखो एक्स की वैल्यू आ गई एच टेन अल्फा टेन बीटा इज इक्वल टू एच प्लस कैपिटल एच। क्लियर है, ये एक्स की वैल्यू पुट कर दी और ये टेन बीटा सेम लिख दी। अब क्या करेंगे, एच इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एच टेन बीटा और ये टेन अल्फा डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एच टेन अल्फा प्लस कैपिटल एच टेन अल्फा। क्लियर, मैंने डायरेक्ट दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आपने आंसर में क्या लेके आना है, आपने सिंपल इक्वेशन चैप्टर किया हुआ है ना, तो सिंपल इक्वेशन में समझ लो ये एक्स है जिसकी आपने अननोन वेरिएबल का आंसर निकालना है एच, तो एच वाले टर्म्स कलेक्ट कर दो एक तरफ, एच टेन बीटा माइनस एच टेन अल्फा और इक्वल टू के इधर रह गया स्मॉल एच टेन अल्फा। क्लियर, कैपिटल एच कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू एच टेन अल्फा, उसको जाके उस साइड पर डिवाइड कर, कैपिटल एच की वैल्यू आ गई एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन, आंसर टैली कर लिया। ठीक है, बस इतना देखना है किसको एलिमिनेट करना है। एनी डाउट, अब ऐसे ही क्वेश्चन एक आप करोगे, ठीक है, लेकिन एरोप्लेन वाला, ठीक है।
क्योंकि वैसे तो एक के साथ बाहर लिखते ना, लेकिन जब वो दोनों टर्म्स इकट्ठे हैं ना ब्रैकेट में आएंगे, तो बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, दोनों से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, फ्रॉम एन एरोप्लेन, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, From an aeroplane vertically above a horizontal plane, the angles of depression of two consecutive kilometer stones, angles of depression of two consecutive kilometer stones on the opposite side of aeroplane are found to be alpha and beta. Kilometer stone क्या है? जो road पे जाते हैं साइड से लगे होते हैं, इसपे लिखा होता है distance. क्या बोल रहे हैं लोगों? हाँ, उसकी बात कर रहे हैं. Kilometer stone है. Aeroplane से जो kilometer stone है ना, दो consecutive. एक road के, एक aeroplane के इस तरफ और एक aeroplane के इस तरफ. उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक बन रहा है अल्फा, दूसरा बन रहा है बीटा. मतलब एरोप्लेन सेंटर में आएगा ऊपर वर्टिकली, एक एंगल इधर बनेगा एक इधर, दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो एंगल ऊपर बनेगा. दूसरा इस तरह ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन की लाइन बनाओ. ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बता दिया अल्फा बीटा. अब आप ये देखो अल्फा बीटा, अब आपको ये नहीं पता कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, लेकिन आंसर से पता चल सकता है. कैसे? देखो, शो दैट द हाइट ऑफ द एरोप्लेन इज, शो दैट द हाइट ऑफ द एरोप्लेन इज टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा. अगर ये डिफरेंस में होता तो आपको पता चल जाता कि अल्फा बड़ा है बीटा, अब नहीं पता चल रहा, प्लस हो गया तो कोई बात नहीं, जैसे है वैसे ही है, स्ट्रेट सीधे सीधे वैसे ही बना दो, इक्वल बना दो, एक बड़ा एक छोटा जैसे मर्जी चल जाएगा. चलो करो, ये शो करनी है एरोप्लेन की हाइट. इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. फिगर आपको बता दी हुई है, दो ट्रायंगल है, कंसीडर करो. हाँ जी, सब अपने आप करोगे तो अच्छा ही होगा, सबको आ जाएगा ये क्वेश्चन करना. ये तो नहीं कहा, टू कंसेक्यूटिव बोला ना, कंसेक्यूटिव मतलब उनका डिस्टेंस है, बात समझ गए? लिखा है ना दो कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन है, मतलब अगर 1 किलोमीटर एक इस तरफ है तो दूसरा 1 किलोमीटर, मतलब सेम डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स होगा, कितना हो जाएगा? लेकिन आपने ये लेना नहीं है, आपने एक्स एक्स लेके जैसे मर्जी कर सकते हो, करो देखो. एक्स ले लो, एक्स वाई ले सकते हो, एक्स एक्स ले लो, सही है. हाइट ऑफ द एरोप्लेन, Thank you.